जिन अल्फाज के आखिर में ई हो और ई के साथ मिले हुए हुरूफ से पहले जिन ए आ जावे तो ए की आवाज़ लंबी ए होगी। जिन अल्फाज के आखिर में ई हो और ई के साथ मिले हुए हुरूफ से पहले ए आ जावे तो ए की आवाज़ लंबी ए होगी। जैसे एम ई के साथ मिला हुआ है एम, और एम से पहले ए आया तो इसे कैसा पढ़ेंगे? एम। सेम, ई के साथ मिला हुआ है एम और उससे पहले आया ए तो इसे पढ़ेंगे? ए की आवाज़ ए होगी तो इसे पढ़ेंगे सेम। सेम मीन्स वही। शेम, शेम मीन्स शर्म। केम, केम मीन्स आया। लेम, लेम मीन्स लंगड़ा। टेम, टेम पीस, टेम मीन्स पालतू जानवर। नेम, नेम मीन्स नाम। गेम, गेम मीन्स खेल। सेक, ई के साथ मिला हुआ है के और के से पहले ए आया तो ए की आवाज़ ए होगी तो इसे कैसा पढ़ेंगे? सेक, सेक मीन्स खातिर। लेक, ई के साथ मिला हुआ के और के से पहले ए आया तो ए की आवाज़ ए होगी इसे पढ़ेंगे? लेक, लेक मीन्स झील। मेक, मेक मीन्स बनाओ। मैड, मैड मीन्स बनाया। ई के साथ मिला डी और डी से पहले ए आया तो ये क्या आवाज़ ए होगी? मैड, मैड मीन्स बनाया। शेड, शेड मीन्स साया। ई के साथ मिला हुआ है डी और डी से पहले आया ए तो इसे पढ़ेंगे? शेड, शेड मीन्स साया। ये क्या आवाज़ ए होगी? पेल, पेल मीन्स पीला। ई के साथ मिला हुआ एल, एल से पहले आया ए तो ये क्या आवाज़ ए होगी? पेल, पेल मीन्स पीला। मेल, मेल मीन्स मर्द। लेन, ई से पहले एन आया और एक एन के साथ मिला हुआ ए तो इसे पढ़ेंगे? लेन, लेन मीन्स गली। लैन, लैन मीन्स गली। सेफ, सेफ मीन्स महफूज।